चोर चोर चोर। तुम लोगों को ना अभी सबक सिखाती हूँ। मेरे घर में चोरी करोगे, इस झाड़ू से ना पीट पीट कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। मिश्री की गलत फहमी। दादी सास और बुआ सास की जमकर धुनाई। शुरू हुआ तमाशा। कलस के सीरियल मिश्री में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में वाणी की अंगूठी का माप लेने के लिए घर में पहुंचे हैं दादी सास और बुआ सास, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मिश्री उन्हें चोर समझ लेती है और उन पर पर्दा डालकर देखिए कैसे झाड़ू से उनकी पिटाई कर रही है। भई आज तो दादी और बुआ का हाल बेहाल हो गया है। लेकिन जब वाणी और उसकी मम्मी घर पर पहुंचते हैं, तब होता है खुलासा कि ये चोर नहीं बल्कि ये तो है दादी और बुआ सास। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है असली तमाशा, क्योंकि दादी तो बुरी तरह से मिश्री पर भड़क गई है और उसे खूब खरी खोटी सुना रही है। ऐसे में मिश्री ने भी दादी से जबान लड़ा दी है, जिसके बाद आज दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इतना कि उसने वाणी पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। काम वाली पता नहीं कहाँ से आई है और कुछ हो रही है। कौन है जे गुड़िया? ये मेरी नई काम वाली। तेरी माँ ने कुछ सिखाया ना है? आपको मैं जो कहना कहिए, पर तुम्हारी माँ दादी के पास कुछ मत कहिए। वरना दादी वरना क्या करेगी? क्या करेगी तो कौन? हमें भला बुरा करेगी? हैं? सही बात है। इससे पहले कि दादी मिश्री को थप्पड़ जड़ती, बीच में वाणी आ गई और फिर एक बार शुरू हो गई वाणी और दादी के बीच बहसबाजी। ये हिम्मत है? तू मैं पापी कह रही है? अरे मैं पापी कह रही है? जा तुझे तब दादी। वाणी माफी मांगो उनसे, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली दादी सास है। हाँ तो बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाना, छोटों को नीचा ले। बहुत फनी सीन है यहाँ पे। हम लोग घर पे नहीं है और हमारे घर पे मेरी दादी सास और मेरी बुआ सास जो वो आई है मेरे अंगूठी का नाप लेने, तो उस वक्त हम लोग घर पे नहीं है और मिश्री अकेली घर पे, और उस वक्त लाइट चली गई है। मिश्री पहचानती नहीं है, तो उसको लगता है कि घर में चोर घुसा है और वो चोरों को मारने के लिए उस पर वो कर्टन्स फेंक देती है और फिर बांध के उनकी पिटाई कर रही होती है झाड़ू से। ये सब चल रहा है तभी हम एंटर करते हैं और हमें भी लगता है कि अच्छा चोर घुसाया होगा। फिर जब वो कर्टन हटता है तो हम देखते हैं कि ओ शिट मेरे ससुराल वाले हैं। तो फिर बेचारी मिश्री भी घबरा जाती है और फिर मैं भी संभालने लगती हूँ उसको। लेकिन डेफिनेटली मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मेरी मम्मी तो ऑलरेडी उस पर गुस्सा है ही, तो तीनों उस पर बरस पड़ते हैं कि अरे काम वाली है, ये सब क्या हरकतें हैं, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाई नहीं है क्या? तो वहाँ पर मेरी और दादी की भी थोड़ी बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि मैं मिश्री के साइड हूँ और मैं बोलती हूँ ऐसे थोड़ी ना आपको बोलना चाहिए, वो माफ़ी मांग रही फिर भी आप उसको डांटे जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यार रहने दे गुड़िया, बहुत देर कर दी तूने समझाने में अपनी बेटी। भाई वाणी के ससुराल वालों से रिश्ते में खटास आ चुकी है, वो भी मिश्री की वजह से। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिश्री ने ही निकाला है। तभी तो देखिए कैसे दादी सास से उठक बैठक कर माफी मांग रही है।
मिश्री क्या कर रही है तुम? तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी और दर्द होगा, मत करो ऐसा। मिश्री, हमारी वजह से दादी और बुआ जी को भी तो चोट पहुंची होगी ना, हमको हमें जो सजा देनी है ना अब दीजिए। आप कहिए तो हम छड़ी लेकर आते या गर्म कोयला। हम गाँव में भी ना चाची जी हमें गर्म कोयले से सजा देती थी। रहने दे, हम यहाँ शुभ काम के लिए आए हैं, किसी को सजा देने ना। हाँ तो शुभ काम में मुंह मिठाना चाहिए, तो जाकर मिठाई ले आओ। हाँ पर हम कैसे जाए? दादी जी जब माफ करेगी तभी तो हम यहाँ से फटफट जाएंगे और कुछ बना कर लाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। साथ ही मिश्री ने वानी से भी माफी मंगवाई। ऐसे में दादी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है। कि बड़ों को क्षमा और छोटों को उठपट चाहिए, तो वानी दीदी को भी माफ कर दीजिए ना। आप भी माफी मांग लीजिए ना। वैसे भी बड़े तो हमें समझाने के लिए डांटते हैं और वो डांटते भी तो हमें सबसे ज्यादा प्यार भी तो करते हैं ना। दादी दादी आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। हाँ सॉरी। ठीक है, तू मेरे पोते के दिल में रहती है और मेरा पोता मेरे दिल का टुकड़ा है। नहीं, एक्चुअली दादी के साथ मेरा थोड़ा सा खटास इसलिए भी है क्योंकि दादी और मेरी मम्मी का एक पुराना जो प्रॉब्लम है कि मेरी मम्मी ने दादी को किडनी दिया था और फिर मेरी दादी के मतलब जो बड़ा बेटे बड़े बेटे के साथ मेरी मम्मी की शादी तय हुई थी, लेकिन उन्होंने लव मैरिज के लिए तो मेरी मम्मी से शादी नहीं हुई, तो मम्मी की सैक्रिफाइस बस यू नो ऐसे ही वो हो गई। तो उस बात को लेकर मेरी दादी से इसलिए नाराज़गी है क्योंकि दादी पार्वती आंटी जो है जो राघव की मम्मी है उन पे बहुत गुस्सा होती है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी वजह से इसके साथ शादी नहीं हुई। तो गलती दादी की थी लेकिन वो उनको बोलती है बिकॉज लव मैरिज के सपोर्ट में कभी भी वो नहीं है। बट मेरे और राघव केस में ऐसा हुआ है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों की चॉइस सेम ही थी, तो हम लोग भी शॉक में थे। तो कहीं ना कहीं दादी से मैं हमेशा वो बोलती हूँ, ये बोलती हूँ कि गलती आपकी थी, आप पार्वती आंटी को मत बोलिए, आपकी वजह से मेरी मम्मी की हालत ये है। तो वहाँ से थोड़ी बहुत खटास है, शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, यू नो मेरी मेरा ससुराल है या नॉल। अब जो हो रहा है अब मिश्री को बचाने के चक्कर में शायद मेरा होगा, आई डोंट नो आगे जाके। तो भाई रिश्ते में खटास की शुरुआत तो हो चुकी है, अब देखना होगा कि शादी में कौन कौन से नए ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए जिस तरह ये आईब्रो ब्रश फिल कर रहा है मेरी आईब्रोज को, उसी तरह हम भी तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।